नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र पाल और अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Drupal 8 को आप लर्न वाय वॉच के सर्वर पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए, लर्न वाय वॉच के सर्वर पर अगर आप Drupal 8 को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक डोमेन नेम जो आप फ्री रोम से फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए वीडियो है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेने के बाद आप हमारे पास वह इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, यानी कि लर्न वाय वॉच को आप ईमेल करते हैं कि मेरे पास ये डोमेन नेम है। उसके बाद हम आपका अकाउंट क्रिएट करते हैं और आपको एक ईमेल करते हैं। ईमेल में आपका यूजर नेम होता है, पासवर्ड होता है और ये दिया जाता है कि कैसे आप अपने वर्चुअल मेन कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कैसे आप अपने होस्टिंग अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी ले चुका हूं। अब हम प्रोसीड करते हैं। तो जो भी आपका डोमेन नेम है उस डोमेन नेम के आगे आप लिखिए :\10,000 और पहले लिखिए https://, और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। याद रखिए, तभी होगा जब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और आपका अकाउंट तभी क्रिएट हो सकता है जब आपने डोमेन नेम की इंफॉर्मेशन हमारे पास ईमेल की हो और होस्टिंग अकाउंट परचेस किया। आपके सामने ये पेज आ जाएगा। इसके बाद एडवांस पर जाइए, प्रोसीड टू योर वेबसाइट कर लीजिए। तो आपके सामने ये एक लॉगिन पेज आएगा और इस लॉगिन पेज में ऊपर देखे लिखा है लॉगिन टू वेबमेन। आप यूजर नेम देंगे जो भी आपको यूजर नेम ईमेल से मिला है, और उस पासवर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो पासवर्ड आपको ईमेल में दिया गया है, और उसके बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड की इंफॉर्मेशन सही दी है तो आप कंट्रोल पैनल में लॉगिन कर जाएंगे। हम वर्चुअल मिन का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और आप सीख रहे हैं, यानी कि आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं। तो वेब डेवलपर जब आप बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सी पैनल के अलावा भी कई पैनल होते हैं। तो आप जहां भी होस्टिंग लेंगे आपको हो सकता है सी पैनल मिले, वो बहुत ही आसान है इस्तेमाल करने में, लेकिन आपको साथ में बाकी पैनल्स की जानकारी भी होनी चाहिए। और वर्चुअल मिन बाकी जितने भी पैनल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए मैं वर्चुअल मिन का इस्तेमाल करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। तो देखिये, लोकल होस्ट में और इसमें डिफरेंस क्या है। लोकल होस्ट में आपको लोकल होस्ट क्रिएट करना पड़ा था, ज़ैम्प इंस्टॉल करना पड़ा था। वहां आप अपाचे रन करते थे, MySQL रन करते थे, उसके बाद आप उस फोल्डर के अंदर जाते थे जहां पर आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है। जब आप सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर पर ये सभी चीजें पहले से ही हैं, यानी कि अपाचे पहले से काम कर रहा है, MySQL पहले से काम कर रहा है। आपको उन सब चीजों को स्टार्ट करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली अपना काम करना है, यानी कि इंस्टॉलेशन का। कैसे करेंगे आप इंस्टॉलेशन, जैसे हमने वहां पर की थी। लेकिन जो पब्लिक फोल्डर होता है वो आपको पता होना चाहिए। ज़ैम्प के केस में आपको पता था कि पब्लिक फोल्डर है htdocs। जब आप वर्चुअल मिन पर काम कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि पब्लिक फोल्डर क्या है। तो पब्लिक फोल्डर आपको कहां से मिलेगा, इसके लिए आप जाइए वेबमिन मॉड्यूल्स पर। लॉग इन करने के बाद वेबमिन मॉड्यूल्स पर आप देखेंगे फाइल मैनेजर आपको दिखाई दे रहा है। फाइल मैनेजर पर आप चले जाइए। ये देखिए, फाइल मैनेजर पर जब आप जाएंगे तो आपके सर्वर में जो भी फाइल्स हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगी। तो ये सभी फाइल्स आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। इसमें पब्लिक HTML फोल्डर जो है वह पब्लिक फोल्डर है, यानी कि इस फोल्डर को सभी लोग देख सकते हैं। Drupal8.ml अगर मैं यहां लिखता हूं तो क्या आएगा इस समय, दोबारा लिखना पड़ेगा www.drupal8.ml। तो यहां पर यह पेज आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी फाइल नहीं है। अगर मैं यहां पर एक फाइल क्रिएट कर देता हूं, मैं आपको एक दिखा देता हूं फाइल क्रिएट करके। क्रिएट अ फाइल, इसको नाम दे देते हैं index.html। अब आप जानते ही हैं कि डिफॉल्ट फाइल जो होती है वह इंडेक्स फाइल होती है। क्रिएट कर देते हैं। अब ये index.html फाइल के अंदर कुछ लिखा है क्या? हमने कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि ब्लैंक है। तो अब अगर Drupal8.ml को आप ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक पेज आएगा। अगर ये ब्लैंक पेज आ रहा है तो इसका मतलब सब कुछ सही है, नहीं तो कुछ गलती आपसे हुई है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, हम तो Drupal 8 इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आप समझ गए कि ये पब्लिक डायरेक्टरी है और आप जो भी यहां पर फाइल्स रखेंगे वही आपकी वेबसाइट होगी। तो Drupal 8 कैसे इंस्टॉल करते थे, Drupal8.org पर जाकर आप डाउनलोड करेंगे। तो Drupal 8 को अब इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपको जाना पड़ेगा Drupal.org पर। Drupal.org पर जाने के बाद जाइए डाउनलोड एंड एक्सटेंड में। यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं Drupal का लेटेस्ट वर्जन। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूं। मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं tar.gz को कर सकता हूं या zip फाइल को भी कर सकता हूं। तो मैं zip फाइल को डाउनलोड कर लेता हूं। तो
तो हमें क्या करना है, हमें इस जिप फाइल को यहां से हटाकर कहां पहुंचाना है, अपनी वेबसाइट के पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर पहुंचाना है। तो जब यह डाउनलोड हो जाएगी उसके बाद हमें इसे अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए देखिए यहां पर फाइल अपलोड टू करेंट डायरेक्टरी ये लिखा है, क्लिक कर दीजिए। आप यहां से फाइल चूज कर सकते हैं, क्लिक कर दीजिए फाइल चूज पर। तो जो आपने जिप फाइल डाउनलोड की है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओपन पर क्लिक कर दीजिए। सेलेक्ट हो गई और अपलोड फाइल्स पर क्लिक कर दीजिए। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट अपलोड हो रही है। देखिए 5% 6% अपलोड प्रोग्रेस जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है। तो देखिए ये जो तरीका है कि हम पहले वहां से डाउनलोड करते हैं सर्वर से और उसके बाद अपने सर्वर में अपलोड करते हैं, ये नए लोगों के लिए अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप एडवांस यूजर हैं, आप लिनक्स पर थोड़ा बहुत काम करना जानते हैं, तो आप डब्ल्यू गेट कमांड का इस्तेमाल करके सर्वर से, द्रुपल के सर्वर से डायरेक्ट फाइल को अपने सर्वर में पहुंचा सकते हैं। ये काम कैसे करते हैं मैंने अपने एक दूसरे वीडियो में बताया हुआ है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए, जिससे आपको पता लग जाए कि अगर इंटरनेट पर कोई फाइल पहले से अवेलेबल है तो उसको आप अपने सर्वर पर कैसे ला सकते हैं एक सिंपल कमांड का इस्तेमाल करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे सर्वर पर अपलोड हो चुकी है। अब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आप इस फाइल पर राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक करने पर आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। ये देखिए ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। इस फोल्डर के अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या है इस फोल्डर के अंदर। तो देखिए इस फोल्डर के अंदर वह सभी फाइल्स हैं जो द्रुपल की वेबसाइट बनाने के लिए रिक्वायर्ड है। तो अभी ये फाइल्स कहां है, हमारे पब्लिक फोल्डर के बाद एक और फोल्डर बनाया है द्रुपल -8.2.6। यानी कि अगर आप इस समय द्रुपल 8.ml को ओपन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप इन फाइल्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको ये नाम भी साथ में लिखना पड़ेगा। आइए लिख के दिखा देता हूं। सो द्रुपल 8.2.6 ये लिखना पड़ेगा, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए क्या होगा, यहां पर द्रुपल के इंस्टॉलेशन का पेज आ जाएगा। लेकिन अगर हम द्रुपल की वेबसाइट को यहां पर इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वेबसाइट कहां से एक्सेस होगी, द्रुपल 8.ml/Drupal 8.2.6 इतना हमें लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट सिर्फ Drupal.ml यानी कि हमारा डोमेन नेम लिखने पर एक्सेस हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी फाइल्स को यहां से सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप यहां से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं और इनको मूव कराना होगा प्रीवियस लोकेशन यानी कि पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो एडिट पर जाइए, कट कर दीजिए। हम दो जगह रख के क्या करेंगे, सेम फाइल्स को कट कर दीजिए। पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर के अंदर जाइए और यहां पर एडिट पर क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। अब द्रुपल को इंस्टॉल करने के लिए या द्रुपल की वेबसाइट को रन करने के लिए जितनी भी फाइल्स हैं वह सभी फाइल्स पब्लिक फोल्डर के अंदर हैं। याद रखिए यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो वही है जो आपकी वेबसाइट का यूजर नेम और पासवर्ड है। याद रखिए आप यहां पर डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और डेटाबेस क्रिएशन की कुछ लिमिट्स हैं, जैसे कि मेरे पास जो अकाउंट है उसमें सिर्फ एक ही डेटाबेस को क्रिएट किया जा सकता है। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके लिए आप क्लिक करिए क्रिएट अ न्यू डेटाबेस पर। डेटाबेस का नाम आप दे दीजिए, याद रखिए जो भी आप नाम देंगे उसके पहले द्रुपल 8_ पहले से ही एडिड है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैं इस डेटाबेस को नाम दे देता हूं द्रुपल 8_ लर्निंग। डेटाबेस सर्वर टाइप सिर्फ MySQL ही है, कुछ ऑप्शंस भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं बट उसकी जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर हमने डेटाबेस क्रिएट किया है, देखिए यहां लिखा आ रहा है कि डेटाबेस क्रिएशन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो डेटाबेस का नाम क्या है, द्रुपल 8_ लर्निंग। देखिए यही है डेटाबेस का नाम, द्रुपल 8_ लर्निंग। डेटाबेस का यूजर नेम वही है जो आपको ईमेल किया गया है, तो हम यूजर नेम लिख देते हैं और पासवर्ड भी आपको ईमेल से मिला है, आप उसी पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप डेटाबेस का नाम यूजर नेम और पासवर्ड तीनों चीज लिखते हैं तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। जब आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं और सभी इंफॉर्मेशन आपने सही दी है यानी कि डेटाबेस की जानकारी सही दी है तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाती है। द्रुपल कई मॉड्यूल से मिलकर बना है और सभी मॉड्यूल्स एक एक करके इंस्टॉल हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं टोटल 40 मॉड्यूल्स हैं और जब वह सभी इंस्टॉल हो जाएंगे तो द्रुपल 8 की इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी देर आपको वेट करना होगा। जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है तो हम अपनी साइट
के कुछ चीजों को साइट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले साइट का नाम, तो साइट का नाम मैं देता हूं Drupal 8 ट्रेनिंग। साइट का ईमेल एड्रेस भी मैं सेट कर देता हूं, जो मैं अपना ही ईमेल एड्रेस दे रहा हूं। यूजर नेम लिख देते हैं एडमिन। पासवर्ड कोई डिफिकल्ट चूज करेंगे इस बार, सिंपल पासवर्ड चूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये वेबसाइट सर्वर पर है। मैं, आप और इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग इंटरनेट पर हैं, वो सभी इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर फिर से ईमेल एड्रेस पूछा जा रहा है, वही दे दीजिए जो आप चाहते हैं। डिफॉल्ट कंट्री इंडिया और डिफॉल्ट टाइम जोन, मैं इंडिया में हूं तो एशिया कोलकाता मुझे टाइम जोन देना होगा, मैं चूज कर लेता हूं। ये अपडेट्स नोटिफिकेशन किस लिए हैं? देखिए, Drupal 8 जो है, या Drupal के जितने भी वर्जन्स पहले भी आए हैं और आने के आने वाले हैं, वह सभी मॉड्यूल से मिलकर बने हैं और उन सभी मॉड्यूल्स को समय समय पर अपडेट किया जाता रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि Drupal में कोई अपडेशन हो या Drupal के किसी मॉड्यूल में अपडेशन हो जो आपकी वेबसाइट पर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ईमेल पर, उसके लिए तो आप इसको रखेंगे। और आप चाहते हैं कि अपडेशन ऑटोमेटिकली चेक किया जाए, तो इसके लिए आप इसको चेक करेंगे। तो दोनों को चेक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूं। जैसे ही हमने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक किया, तो हमें इस पेज पर ले जाया गया। तो Drupal 8 इंस्टॉल हो चुका है हमारे सर्वर पर, और आप देख सकते हैं यहां लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू इंस्टॉल्ड Drupal। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि Drupal 8 को आप किस तरह से सर्वर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप जल्दी से लर्न माय वॉच के सर्वर पर Drupal 8 को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने ट्यूटोरियल्स परचेज नहीं किए हैं, तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस को पूछिए। अगर आपने हमारे ट्यूटोरियल्स परचेज किए हैं, तो आपको पता है कि आपको क्वेश्चंस कहाँ पूछने हैं, आप वहां सवाल पूछिए और मैं आपको वहां पर रिप्लाई करूंगा। याद रखिए, अगर आपने परचेज किए हैं ट्यूटोरियल्स, तो YouTube के कमेंट बॉक्स में ना पूछें, क्योंकि वहां पर मैं बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। लेकिन जो प्राइवेट स्पेस हमने बनाया है, वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर जल्दी दे पाता हूं, इसलिए आप अपने सवाल वहीं पर पूछिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां पर हम अपने इस Drupal 8 के इंटरफेस को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।